हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के बारे में। सो मैंने पहले ही पार्ट वन वीडियो डाल चुकी हूँ और उसके अंदर मैंने आपको बताया है कुछ कॉन्सेप्ट्स मेंडेलियन के बारे में, और उसके कुछ जो भी सम बेसिक टर्म्स थे, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, इन सब के बारे में मैंने डेफिनेशंस बताया आप लोगों को। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा क्रॉसेस। तो आज हम क्रॉसेस के बारे में पढ़ेंगे और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ लॉज देखेंगे और दैट्स इट। उसके बाद हमारा चैप्टर कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक दो और दिन लगेंगे फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम आपको पहले बता देती हूँ, वीडियो चालू होने से पहले ही बता देती हूँ कि ये वीडियो को आपको लाइक करना है, और साथ ही साथ अगर आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा और आपको इस कॉन्सेप्ट से, मतलब जो मैं बता रही हूँ वो समझ गया होगा, तो आप उनको शेयर कर देना। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ हम लोगों को 100 सब्सक्राइबर तक की मदद ज़रूर करना, ठीक है गाइस। और ये है हमारा यूट्यूब चैनल ट्विंकल तनु चैनल, सो प्लीज़ और हमारी हेल्प ज़रूर करना, ठीक है गाइस। अब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ हम पढ़ने वाले हैं पुनीत स्क्वायर, ठीक है। पुनीत स्क्वायर में मैं आपको बता दी थी कि किस स्टेप से हमें क्या करना पड़ता है उसके अंदर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखो सॉरी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने पिछली बार पढ़ा था 7 ट्रेट्स मेंडेलियन के बारे में, उसमें से हम दो चीज़ें ले रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं राउंड येलोइश और रिंकल्ड ग्रीन, ये दो चीज़ें हम ले रहे हैं। राउंड येलो में क्या आ रहा है, बिग आर और बिग वाई, ओके कैपिटल्स आ रहे हैं दोनों। और रिंकल में क्या आ रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके इतना याद रखना है। अब क्या करेंगे हम अब जाएंगे, पहले मैं आपको इधर से समझा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, राउंड येलो है और रिंकल ग्रीन है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इसके दो गैमेट्स को पहले लिया, आर वाई और छोटे आर वाई, ठीक है। अब उन दोनों को हमने कॉम्बिनेशन कर दिया, तो F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया, एक बड़ा R, एक छोटा R, एक बड़ा Y, एक छोटा Y, ओके। अब क्या करेंगे हम, उन सभी लोगों को हम है ना लाइन वाइज यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हम ये लिखेंगे आर वाई आर वाई, स्मॉल R, बिग Y, स्मॉल R, बिग Y, बिग R, स्मॉल Y, बिग R, स्मॉल Y, एंड स्मॉल R, स्मॉल Y, स्मॉल R, स्मॉल Y, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले बिग R और Y, बिग R और Y में क्या होगा, अब हमको तो इतना पता है कि बिग R बिग Y हुआ है यूज, तो राउंड येलो ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा इनके साथ क्रॉस हुआ, आर वाई और इनका हुआ, ठीक है। रुको मैं एक सेकेंड आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ, सबको अलग अलग कलर से बताऊँगी जिससे आपको समझेगा। पहला मैं लेती हूँ ब्लैक कलर, ये R और ये R के साथ हुआ, ठीक है। तो हमारा बेबी कैसे पैदा हुआ, राउंड येलो। उसके बाद ये R और ये R के साथ हुआ, तो डबल से राउंड येलो हुआ, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार व्रिंकल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर स्मॉल R यूज़ हुआ है। नहीं भैया, व्रिंकल तब पैदा होगा जब छोटा R और छोटा Y होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बिग R बिग Y के साथ बिग R और स्मॉल Y हुआ, तो क्या हुआ, राउंड येलोइश। उसके बाद क्या किया, उसके बाद बिग R बिग Y के साथ स्मॉल R स्मॉल Y के साथ किया, ठीक है, तो क्या हुआ, राउंड येलो। ये हो गया पहले, उसमें हमारा क्या हुआ है, पहले हमने करवाया तो क्रॉस, उसमें सब लोग कैसे हुए, राउंड येलो हुए, ठीक है, राउंड येलो हुए। अब दूसरे वाले में क्या करवा रहे हैं हम दूसरे वाले में अब जाएंगे, और दूसरे वाले में क्या करवाएंगे, देखो पहले हम इसको इससे करवाएंगे, तो क्या आया, राउंड येलो आया, ठीक है। उसके बाद इसको इससे करवाएंगे, अब आया हमारा ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है आप लोगों को, देखो स्मॉल R स्मॉल Y, स्मॉल R स्मॉल Y, मिल गए दोनों बिछड़े हुए ट्विंस एक साथ, आ गए अपने, रिंकल येलो दे दिया इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा रिंकल येलो क्यों दिया, अब देखो यहाँ पे एकदम कॉन्सेंट्रेशन से देखो, आप लोगों को ये नहीं समझ आऊंगा व्रिंकल येलो क्यों आया। बिग वाई बिग वाई, बिग वाई किस में यूज़ होता है, येलोइश के लिए यूज़ होता है,
और स्मॉल आर, स्मॉल आर किस लिए यूज़ होता है? व्रिंकल्ड के लिए यूज़ होता है। इसके वजह से वो कॉम्बिनेशन में क्या आया? व्रिंकल्ड येल्लो आया। ओके या समझा? अब उसके बाद क्या बता रहे, देखो उसके बाद आ रहा है स्मॉल आर और बिग वाई के साथ, बिग आर स्मॉल वाई, तो इधर क्या आ रहा? राउंड येल्लो, ठीक है। उसके बाद स्मॉल आर बिग वाई के साथ स्मॉल आर वाई लिए, ठीक है, स्मॉल वाई। अब ये आर और ये आर तो सेम हो गए, व्रिंकल लिख दिया, पर यहाँ पे वाई बड़ा है या वाई छोटा है, तो भी हम क्या लिखेंगे? येल्लो ही लिखेंगे, ग्रीन नहीं लिखेंगे। ग्रीन तब लिखेंगे जब हमारे पास दो स्मॉल वाई होगा। ओके, याद रखना। उसके बाद इतना हो गया। इसमें क्या हुआ, दूसरे वाले क्रॉस में दो व्रिंकल्ड येलो मिले और दो राउंड येलोज मिले। ओके, उसके बाद देखो, बिग आर स्मॉल वाई, उसको कर रहे हैं हम बिग वाई और बिग आर के साथ, तो राउंड येलो हुआ। उसके बाद ये वाले को हम करेंगे इस वाले के साथ, इस वाले के साथ क्या हुआ? राउंड येलो, सॉरी। ओके, वाह, जल्दी जल्दी में क्या हुआ, चार्जिंग भी लगाना भूल गई, इसके से आपके सामने ऐसा आ गया। ठीक है गाइस, तो हाँ उसके लिए सॉरी। ओके, तो यहाँ क्या बता रही थी मैं, हाँ स्मॉल सॉरी बिग आर स्मॉल वाई के साथ हमने करवाया क्रॉस बिग वालों का, तो राउंड येलो आया। उसके बाद हमने इनका इससे करवाया, तो राउंड येलो आया। उसके बाद हमने इसको इससे करवाया, किसको किससे करवाया? सेम आर वाई को, इसमें सेम आर वाई के साथ करवाया, तो क्या आया? आर आर तो बड़े हैं, इसके से राउंड आ गया, पर ये वाई और ये वाई कैसे छोटे हैं, इसके से क्या आया? ग्रीन। यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे राउंड ग्रीन जनरेशन तैयार हुई। ओके, सेकंड वाले में भी सेम वही राउंड ग्रीन जनरेशन। ओके, उसके बाद अब हमारा आ जाता फोर्थ वाले क्रॉस में हमने क्या किया? स्मॉल आर वाई को बिग आर वाई के साथ करवाया, तो हमारा राउंड येलो आया। स्मॉल आर वाई को स्मॉल आर और बिग वाई के साथ करवाया, तो व्रिंकल येलो आया। छोटा आर व्रिंकल, बड़ा वाई स्मॉल वाई येलो। ओके, उसके बाद ये स्मॉल आर स्मॉल वाई को हमने करवाया बिग आर और बिग वाई से, तो क्या आया? बिग आर स्मॉल आर, तो राउंड आया। वाई वाई स्मॉल है, इसके से ग्रीन आया। ओके, अब लास्ट वाला क्या बचा? लास्ट के दोनों सेम है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके से एक बच्चा कैसे तैयार हुआ? सेम जो हमारा व्रिंकल पेरेंट था, व्रिंकल ग्रीन पेरेंट था, उसका एक बच्चा जो है वो सही आया। मतलब उन्होंने क्या करवाया? उन्होंने टेस्ट करवाया कि इनको थोड़ा सा शक हो रहा था कि हम मेरा बच्चा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये मेरा बच्चा है या नहीं, तो इन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। और क्रॉस से हमको क्या पता चला लास्ट में? हाँ भैया, यही पेरेंट्स है, इन्हीं के बच्चे है ये। ठीक है, समझ गया ना ये इतना। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले वहीं जाना होगा जहाँ पे है। ओके, ये दिख रहा है आप लोगों को, मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने थ्री लॉज बताया था हमारे मेंडल भैया ने, उन्होंने ये बताया था। पहला लॉ था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, इसमें क्या बताता है देखो, मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाती हूँ। हम ये सब छोड़ देते हैं, ठीक है, ये सब अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, हम पहले देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या बताते हैं? When two homozygous individual with one or more set of contrasting characters are crossed, the alleles that appear in F1 generation are dominant and those which are not appear in F1 generation are recessive. Okay, are you getting the point? यहाँ क्या बता रहा है? जब दो homozygous individuals एक या एक से ज़्यादा contrasting characters बताते हो crossing के समय, तब जो उनका अलील रहेगा, जो उनका कैरेक्टर रहेगा, जो F1 जनरेशन में बता रहा हो, वो कैसा रहेगा? डोमिनेंट रहेगा। और जो वो कैरेक्टर्स को नहीं अपियर करवा रहा हो F1 जनरेशन में, उसे हम क्या बोलेंगे? रेसेसिव बोलेंगे। बस इतना ही याद रखना है। ओके, एक क्या होगा? एक डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा? रेसेसिव होगा। इससे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, हो गया। अब बता रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ गैमेट्स ऑल्सो। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ गैमेट्स ऑल्सो। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? हम स्टेटमेंट ऑफ
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे. इसमें क्या बता रहा है, द लॉ स्टेट्स डैट व्हेन हाइब्रिड F1 फॉर्म्स गैमेट्स द अलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर इन डिफरेंट गैमेट्स. ओके, यहाँ क्या बता रहा है, द गैमेट्स फॉर्म्ड आर प्योर इन दैट दे कैरी ओनली वन अलील ईच, दैट मीन्स आइदर डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील. ओके, यहाँ पहले वाले में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी क्या बता था, एक कैरेक्टर कैसा होगा, एक डोमिनेंट होगा, दूसरा कैरेक्टर कैसा रहेगा, रिसेसिव रहेगा. पर हमारा ये जो लॉ ऑफ प्योरिटी है, ओके, लॉ ऑफ प्योरिटी मतलब लॉ ऑफ गैमेट है, चाहे हम इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोले, लॉ ऑफ प्यूबर्टी बोले या फिर लॉ ऑफ गैमेट्स बोले, सब सेम ही है. ओके, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा गैमेट होगा, ओके, जो हमारा गैमेट होगा वो क्या करेगा, सॉरी एक सेकंड, हाँ, तो जो हमारा गैमेट रहेगा वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही एक ही डोमिनेंट या डोमिनेंट अलील या फिर रिसेसिव अलील कैरी करेगा. ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्योर अलील होना चाहिए, चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर चाहे रिसेसिव हो. ओके, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलेंगे, ठीक है. उसके बाद बता रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बता रहा है, देखो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट. यहाँ क्या बता रहा है, व्हेन हाइब्रिड पजेसिंग टू और मोर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, ओके, फॉर्म्स गैमेट्स, द फैक्टर इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू द अदर पेयर. What that means? Okay, यहाँ आप confusion है भैया, आप क्या बता रहा है ये, अब कुछ नहीं समझ रहा है बोलोगे आप लोग, ठीक है. इधर क्या बता रहा है, देखो जो हमारा ये है कौन, statement of law of independent assortment, ये बता रहा है, when hybrid possessing two or more pairs of contrasting characters, चाहे वो जो hybrid है, okay, जो hybrid है मतलब F1 generation में जो hybrid हुए हैं, वो एक से या नहीं सॉरी दो से ज़्यादा कंट्रास्टिंग फैक्टर्स बताते हो, मतलब अलील्स बताते हो और गैमेट्स बनाते हो, तब वो जो फैक्टर रहेगा वो क्या करेगा, पेयर को सेग्रीगेट कर देगा इंडिपेंडेंटली, ओके, दूसरे पेयर के साथ. बस इतना ही याद रखना है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है. ओके, समझ गया. अब उसके बाद इतना तो समझ गए, तीनों समझ गए ना. अब हम आते हैं हमारा एक से ना, हाँ, ये बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. एक्चुअली मैंने ये पहली वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, पर मैं एक और बार आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है. तो इसमें क्या बता रहा है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. बैक क्रॉस में क्या बता रहा है, द F1 इंडिविजुअल्स ऑब्टेंड इन अ क्रॉस आर यूजुअली सेटल्ड टू गेट F2 प्रोजेनी. दे कैन ऑल्सो बी क्रॉस्ड विद वन ऑफ द टू पेरेंट्स फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड, either recessive or dominance is called as back cross. Okay, समझा, समझ रहा है ना क्या बता रहा है यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद test cross, the cross of F1 hybrid with the homozygous recessive parent is known as a test cross. It is used test where whether an individual is homozygous or heterozygous. Test cross is easy, simple, repeatable and predictable. Okay, समझ गया, ठीक है. अब देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है टेस्ट क्रॉस के ऊपर. अब टेस्ट क्रॉस को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम इसको बार बार क्रॉसेस भी करवा सकते हैं क्योंकि ये रिपीटेडली है. सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो फ्लावर्स हैं, दोनों क्या है, वाइट है. पहला कैसा है, होमोजाइगस है. दूसरा कैसा है, होमोजाइगस है पर कैसा है, रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं. ओके, होमोजाइगस रिसेसिव, होमो दूसरा भी होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है, दोनों सेम है. अब क्या हुआ देखो, अच्छे से देखना आप. ओके, पहला कैसा है, रिसेसिव आया मतलब स्मॉल आर, और यहाँ एक पर्पल डोमिनेंट फिनोटाइपिक दिया हुआ है, पर्पल फ्लावर. ये कैसा है, वाइट. ये कैसा है, पर्पल है. ओके, यहाँ क्या करवा रहे हैं देखो, अब इनका क्रॉस इनके साथ भी हो रहा है. अब देखो इसको मैं एकदम प्रॉपरली आप लोगों को बता देती हूँ पहले. सो क्या करती हूँ मैं, सबसे पहले ना आप लोगों के लिए 2 मिनट आप लोग चाहिए,
ओके, तो अब मैं क्या बता देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आप लोग ये छोड़ो, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि टेस्ट क्रॉस मतलब क्या। टेस्ट क्रॉस में क्या करता है, जो F1 हाइब्रिड है, ठीक है, जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है, वो क्या करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। पर वो इंडिविजुअल दोनों में से कोई भी एक चीज़ से क्रॉस कर सकता है, ओके, चाहे वो डोमिनेंट के साथ करे, चाहे वो रिसेसिव के साथ करे। अब हमें इतना तो अभी सामने सबसे स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था आपको किसके बारे में, RR और स्मॉल आर के बारे में इतना तो पता चल गया, ये डोमिनेंट के लिए यूज़ होता है और ये वाला रिसेसिव के लिए यूज़ होता है। ओके, ये समझ गया आप लोगों को। अब क्या करेंगे हम, देखो हमने क्या लिया, पहले मैं इसके साथ करवा के देखती हूँ, ठीक है। पहले क्या किया, ये जो हमारा आर है, जो हमारा ये है कौन, पर्पल फ्लावर, उसको हमने क्या किया, ये वाले पर्पल फ्लावर को हमने ले लिया आर आर, ठीक है, ये आर आर ले लिया और एक वाइट वाला ले लिया। वाइट फ्लावर कैसा है, रिसेसिव है, स्मॉल आर। अब इन लोगों का क्रॉस करवाया, क्रॉस करने के बाद क्या आया, इसका आर आर आया और इसका आर आर आया, ठीक है, ओके, समझ रहे हो ना। अब क्या होगा, एक आर मतलब बिग आर स्मॉल आर, दोनों कैसे हुए, पर्पल हुआ, उसके बाद स्मॉल आर बिग आर, फिर से डबल से पर्पल हुआ, फिर एक और बार स्मॉल आर बिग आर, डबल से पर्पल हुआ, एक और बार स्मॉल आर बिग आर, कैसा हुआ, पर्पल हुआ। मतलब अगर हम डोमिनेंट के साथ करवाएंगे, बिग आर के साथ अगर हम रिसेसिव स्मॉल आर का करवाएंगे क्रॉस, तो हमारे पास कैसा प्लांट आएगा, पर्पल ही आएगा, ओके, पर्पल ही आएगा। अब हम दूसरे वाले क्रॉस में क्या करवा रहे हैं, देखो, अब दूसरे वाले क्रॉस में क्या करवा रहे हैं, देखो, एक हम ले रहे हैं बिग आर स्मॉल आर, ओके, और एक में ले रहे हैं स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर, देखो कितना सुंदर दिख रहा है ये येलो कलर, ओके। उसके बाद एक आर को यहाँ से, एक आर को यहाँ से, क्या हुआ, बिग आर स्मॉल आर, पहला बन गया हमारा वॉयलेट। दूसरा वाला लिए, इसी को इसी के साथ करवाएंगे, इस वाले के साथ, ठीक है, तो डबल से बिग आर स्मॉल आर, ओके, और दूसरे बार में क्या करवाएंगे हम, ये वाले आर को ये वाले आर के साथ, मतलब स्मॉल आर को स्मॉल आर के साथ, तो क्या होगा, आर आर, मतलब बन गया हमारा एक वाइट फ्लावर, और फिर ये वाला बचा हुआ लास्ट वाले आर को इसके साथ, तो क्या होगा, डबल से स्मॉल आर बन जाएगा। मतलब यहाँ वाइट फ्लावर दो बार बनेंगे और पर्पल फ्लावर दो बार बनेंगे, ठीक है, समझ गया, बस यही हमारा रिजल्ट है, ठीक है, इसी को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब क्या बता रहा है, देखो, डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन फाइंडिंग फ्यू, ओके, ये वाला जो है मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ डायरेक्टली, इसमें क्या बता रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले एक मेन चीज़ के बारे में, वो है नियो मेंडेलिज्म, ओके, नियो मेंडेलिज्म। अब नियो मेंडेलिज्म मतलब क्या, किसे बोलते हैं हम नियो मेंडेलिज्म, ओके, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ओके, तो नियो मेंडेलिज्म में क्या बता रहा है, देखो, ऐसे पैसेज ऑफ टाइम और नंबर जो आइडेंटिफायर ऑब्जर्व हुए थे पोस्ट मेंडेलियन ईरा में, और आज क्या दे रहे हैं वो इनहेरिटेंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, दे रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नियो मेंडेलिज्म, ओके। इन्हें किसने फाइंड आउट किया था, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे बोलोगे आप लोग, पता है मेंडेलिज्म आया तो मेंडल ने ही डिस्कवर किया होगा, ऑफकोर्स, हाँ भैया, मेंडल ने ही डिस्कवर किया था, ठीक है, आप लोग बहुत होशियार हो, ठीक है। अब हमारा जो ये तीन सजेस्ट करता है वो डोमिनेंस, पहला तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है को डोमिनेंस, और तीसरा आएगा मल्टीपल अलील्स, और उसके बाद प्लियोट्रॉपी, ओके। अब पहला हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले इंट्रांजेनिक इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ लेंगे, ओके, एक सेकेंड, ओके, सो इंट्रांजेनिक इंटरेक्शन में क्या बता रहा है, ठीक है, देखो, ऑकर्स बिटवीन टू एलील ऑफ सेम जीन, समझ गया हमें, ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं।
अरे भैया बताने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? एग्जाम्पल में क्या बता रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस इज अ एग्जाम्पल ऑफ दैट इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल क्या बता रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को। अब हमने तो इनकम्प्लीट और को डोमिनेंस पढ़ा ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है क्या? बस इतना याद रखना, जो सेम जीन के अलील्स होते हैं उनके बिटवीन जो जो भी चीज़, जैसे रुको एक सेकेंड, ऑकर्स बिटवीन द अलील ऑफ सेम जीन, क्या होता है जो हमारा इंट्राजेनिक इंटरेक्शन है वो कहाँ कहाँ ऑकर होता है, वो वहाँ ऑकर होता है जहाँ पे सेम जीन ऑफ अलील्स पाए जाते हैं। ओके, वहाँ पे क्या होता है, हमारा इंटरजेनिक इंटरेक्शन होता है। उसके बाद इंट्राजेनिक पढ़ लिया, आप इंटरजेनिक पढ़ेंगी। ओके, इंटरजेनिक में क्या बता रहा है, ऑकर्स बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन, ओके, ऑन प्रेजेंट ऑफ सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स। क्या होगा, अब तो भैया इसमें जीन अलग अलग रहेंगे पर जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ ये बता रहा है। अब इसके बारे में तो पढ़ लिया, अब इसके बाद क्या बता रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बता रहा है, देखो, इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोथ द अलील्स ऑफ एलियोमॉर्फिक पेयर्स एक्सप्रेस देमसेल पार्शियली, वन अलील कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील कम्प्लीटली, इन सच केस देयर एंड इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन इन F1 हाइब्रिड। अ वेल नोन एग्जाम्पल इज अ फ्लावर कलर ऑफ मीराबिलिस जलप्पा, इफ अ रेड फ्लावर RR प्लांट इज क्रॉस विद अ वाइट फ्लावर RR स्मॉल RR प्लांट देन F1 जनरेशन इज पिंक। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है पहला, यहाँ क्या होगा, दो अलील्स के बीच में ये चीज़ ऑकर्स होगी। ओके, अब दो अलील्स के बीच में ये चीज़ ऑकर होंगी, मतलब पहला जो अलील रहेगा वो दूसरे से कुछ हद तक डिफरेंट रहेगा या फिर उनमें एक चीज़ सेम नहीं होगी, ठीक है, बाकी सब तो सेम रहेगा पर एक चीज़ में वो लोग डिफरेंस हो जाएंगे। जैसे पहला अगर हमारे पास वो है, क्या पहला हमारे पास क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पहला मेरे पास यहाँ रेड कलर का फ्लावर है, ओके, ये हमारा रेड कलर का फ्लावर है और ये हमारा वाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है, पर हमारा जो वो होगा क्या, इनका जो बेबी होगा वो कैसा होगा, पिंक कलर। हाउ डज दिस पॉसिबल, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों क्रॉस होने के बावजूद भी इनका बच्चा कैसा हो रहा है, अलग कलर का हो रहा है, पिंक कलर का हो रहा है, मतलब इनमें कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई दे रहे हैं ना, ना ही रेड हुआ ना ही येलो हुआ, भैया ये तो कुछ और ही हो गया, ठीक है, यहाँ ये बता रहा है, ठीक है, समझ गया आप लोगों को। उसके बाद देखो यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ एक बार, ओके, देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, पेरेंट्स कैसा है, एक पेरेंट्स कैसा है, बिग RR स्मॉल और एक है स्मॉल RR, एक कार लिया एक कार लिया, दोनों को क्रॉस करवाया, क्या हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन निकला पिंक फ्लावर, ठीक है, ये बता रहा है। अब देखो देखो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशोज भी बताए गए हैं और यहाँ फिनोटाइपिक रेशो भी बताए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कोडोमिनेंस के ऊपर, कोडोमिनेंस कैसा रहेगा, इक्वल, ओके, इक्वल। इसमें क्या बता रहा है, देखो कोडोमिनेंस में बोथ द अलील्स, ओके, बोथ द अलील्स ऑफ एन एलियोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इन F1 हाइब्रिड, सच अलील्स विच आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इंडिपेंडेंटली इन हाइब्रिड आर कॉल्ड एज कोडोमिनेंट अलील्स। ऐसे अलील्स जो भैया सेम है, इक्वल है और उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके इंडिपेंडेंटली और वो भी इक्वली, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट अलील, ओके। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, पहला यहाँ बता रहा है काउस के, पहला काउ कैसा है, रेड है, दूसरा काउ कैसा है, वाइट है, दोनों का क्रॉस हुआ, एक का फॉर्म हुआ रेड वाइट कॉम्बिनेशन, दूसरा का भी हुआ रेड वाइट कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद उन लोगों का वो हुआ क्या, क्रॉस, उसमें क्या हो रहा है, पहले जो उनके मम्मी थे
उन्हीं के जैसा एक इनका एक वो तैयार हुआ स्पेसिस, और इनका भी एक वही स्पेसिस तैयार हुआ। समझ रहा है आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं समझ रहा है ना, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। पहला जो हमारा रेड रेड तैयार हुए थे और वाइट वाइट तैयार हुए थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, क्रॉस किया। क्रॉस होने के बाद दो सेम उनको बच्चे हुए, एक फीमेल में हुआ एक मेल में हुआ। उन दोनों का क्या हुआ, क्रॉस हुआ। क्रॉस होने के बाद क्या हुआ, इनकी जो मम्मी थी उन्हीं के जैसे उनके बच्चे तैयार हुए, और इनके जो पापा थे उन्हीं के जैसे उनके पापा उनके बच्चे तैयार हुए। ओके, यहाँ ही समझ रहे। और साथ ही साथ वो जो पेरेंट्स थे उन वो भी खुद तैयार हुए। दिख रहा है आपको, इसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। ओके, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली एंड इक्वली, दैट मीन्स द कोडोमिनेंस। ओके, अब क्या बता रहे, देखो हमने पढ़ लिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, कोडोमिनेंस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलील। एलील, ओके, एलील्स को हम जीन भी बोलते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे हम मल्टीपल एलील्स। एलील्स में क्या बता रहा है, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन इन एन पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग द सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम और इट्स होमोलॉग आर नोन हैज मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स arise by mutation of wild type of gene. A gene can mutated several times producing a series of alternative expression. Different alleles in a series show dominant recessive relation or may show codominance or incomplete dominance among themselves. Okay? देखो सबसे पहले तो हम जाते हैं यहाँ पे अच्छा ये तो एग्जांपल्स है आपकी, बाद में बताती हूँ। पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कि मल्टीपल एलील्स क्या होता है। यहाँ क्या होता है, जो हमारे मल्टीपल एलील्स उसमें दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव एलील्स ऑफ फॉर्म होते हैं जीन के। ओके, इन एन पॉपुलेशन ऑक्यूपाइंग इन सेम लोकस, सेम क्रोमोसोम्स के सेम पॉइंट्स पे अगर वो लोकस पे है, ऑक्यूपाई कर रहे हैं कुछ पॉपुलेशन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल एलील बोलेंगे। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील। देखो आप लोगों को समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ड्रोसोफिला नाम की जो फ्लाई है उनमें क्या हो रहा है, मल्टीपल एलील्स के एग्जांपल दिए। एक तो देखो ये हो गया, यहाँ पे एक सपोज जैसी बता रही हूँ अभी, ये क्रोमोसोम्स वैसे सही क्रोमोसोम्स नहीं, ठीक है। पहला वाला कैसा हुआ, पहले वाले के पास नॉर्मल वेस्टिजियल नो विंग्स है, नंबर ऑफ विंग्स है। उसके बाद मतलब सबके क्या बता रहे हैं, देखो एक के पास NO है, एक के पास VG है, एक के पास VG प्लस है, सबके पास कैसे एलील है, सेम नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग टाइप्स ऑफ विंग्स है उनके पास। किसी के पास विंग्स अलग कलर के हैं, किसी के स्पॉट वाले हैं। ओके, कोई होमोजाइगस कंडीशन के है, तो कोई नॉर्मल टाइप वाइल्ड वेस्टिजियल विंग्स के, कोई रेसेसिव टाइप के। इसमें ये बता रहा है, इसमें मल्टीपल एलील्स बताते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो, रेसेसिव हो, चाहे वो कोडोमिनेंस हो या फिर इनकम्प्लीट हो, यहाँ क्या बताता है, सबके मिक्सचर बताते हैं। ओके, अब आते हैं हम प्लियोट्रॉपी। अब इसमें क्या बता रहा है, देखो when a single gene controls two or more different traits is called as pleiotropy. एक सिंगल जीन जो है वो दो से ज़्यादा ट्रेट्स को, वो भी डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी। ओके, और उस फिनोमिना को हम बोलेंगे प्लियोट्रॉपिज्म। ओके, अभी यहाँ क्या बता रहा है, देखो 1:2 instead of 3:1 because of the death of recessive homozygote. The disease sickle cell anemia is caused by gene HBS. Normal or healthy gene HBA is dominant. The carriers heterozygotes HBA and HBS show sign of mild anemia as their RBC becomes sickle shaped. That means half moon shape. अब हमें इतना तो पता है सिकल सेल अनेमिया क्या है, एक डिसीज़ है जिसमें हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो कैसा होता है। अब ये हमारा रेड ब्लड सेल है सपोज, ओके, ये एकदम खाता पीता हेल्दी है, पर इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारा सेल रहता है वो सिकुड़ जाता है। ओके, वो कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ओके, यहाँ ये बता रहा है
अब देखो यहाँ पे क्रॉस किया जा रहा है, एक क्या है ये देखो, जो हमारा फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक है। देखो फिनोटाइपिक में क्या बता रहा है, जो सिकल सेल सिकल सेल है कैरियर, उसके पास क्या है एच बी ए एच बी एस, और इधर क्या है सेम वही है। उन दोनों को क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ, एच बी ए को यहाँ लिखा, एच बी एस को यहाँ लिखा। अब ये एच बी ए और एच बी एस को क्या किया, क्रॉस किया। पहला कैसे हुआ, नॉर्मल हुआ। नॉर्मल कैसे हुआ, देखो यहाँ पे बताया है हमारा जीन तभी हेल्दी होगा जहाँ पे एच बी ए लिखा हो, एच बी ए लिखा हो। ओके एच बी ए लिखा है तो मतलब क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। दूसरे में क्या करवाएंगे, इसको इसके साथ करवाएंगे। ओके इसको इसके साथ करवाएंगे तो क्या हुआ, एच बी ए एच बी एस हुआ। एस आ गया मतलब क्या हुआ, या देखो एच बी एस आया मतलब ये शो हो रहा है कि भैया इसको कुछ ना कुछ सिम्टम्स हुआ है। मतलब ये क्या है, ये आर बी सी क्या किया है, कैरियर है सिकल सेल अनेमिया का। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखो इस वाले को इस वाले के साथ करवाएंगे तो क्या हुआ, एच बी एस एच बी एस मतलब 101% एक अलील क्या हुआ है, पूरा कम्प्लीटली सिकल सेल अनेमिया बन चुका है। ओके उसके बाद क्या करवाए, इसको इसके साथ करवाए तो क्या हुआ, एच बी ए एच बी एस। ठीक है एच बी ए एच बी एस मतलब यहाँ पे दो सिकल सेल कैरियर है, यहाँ एक सिकल सेल अनिमिया बन चुका है, यहाँ पे एक नॉर्मल है। मतलब 1:2, 2:1 क्या हुआ, 1:2, 2:1 इनका रेशियो है। ओके सबके एग्जांपल्स लर्न हुए हैं आपको, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे किसका एग्जांपल क्या था। ठीक है देखो सबसे पहले हम चालू करते हैं हमारा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या बताया था हमें, वाइट और पर्पल का कॉम्बिनेशन बताया था। उसके बाद क्या बताया था हमें, हमें बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का कॉम्बिनेशन पिंक आया, वो उसका एग्जांपल है। उसके बाद हमारा को डोमिनेंस में क्या बताया, एक रेड गाय थी एक वाइट गाय थी, उनके जो बच्चे हुए और उनके जो बच्चे हुए उसमें उनके मम्मी पापा का रोल बताया गया था। ओके उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बाद हमें बता रहा है मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील में क्या बता रहा है, डॉर्सोफिला नाम की जो फ्लाई है उसके बारे में बता रहा है, एक की नॉर्मल विंग्स है एक की निकेड विल्स है एक का जो भी है। ओके सब आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद क्या बता रहा है, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या बताया हमें, सिकल सेल कैरियर के बारे में बताया, एक कैसा हुआ नॉर्मल हुआ, दो कैसे हुए कैरियर हुए, और एक कैसे हुआ सिकल सेल अनीमिया हो चुका है उसको। ठीक है एक सेल को ये बता रहा है। ओके इतना समझ गया आज आप लोगों को, बस आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ आपको अगर ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, या फिर आपको कुछ ना कुछ समझा होगा, आपको जितना भी नहीं समझ रहा होगा और कुछ ना कुछ समझा होगा, उसके लिए आपको ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना होगा। ओके आपको हम इतना हमारा समय देते हैं, डेली डेली वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस वीडियो को बनाने में। सो प्लीज़ गाइज आप लोग इसे लाइक करना, और मुझे 100 सब्सक्राइबर आप लोगों की तरफ से होना चाहिए गाइस, प्लीज़ गाइस। ओके